तो सो गाइस, आप सभी को पता है कि जैसे कि हमारी सरकार ने चाइनीज ऐप को बंद कर दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि चाइनीज थोड़ा बुकला गया। और लेकिन जो पता है आपको, चाइनीज को ये नहीं पता कि सबसे ज़्यादा उसके फॉलोवर्स जो उसके एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं वो इंडिया में ही यूज़ करते हैं, वो चाइना जो भूल गया है। हमारी सरकार ने किन किन एप्लीकेशन को बंद किया है, देखिए चलिए जानते हैं, विस्तार के रूप में समझेंगे लिस्ट की पूरी लिस्ट में। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें। सो गाइस देख लीजिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ चाइनीज ऐप बैन इन इंडिया, मोदी सरकार ने जो 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया, इसकी पूरी लिस्ट दी गई जैप एंड की। हमारी सरकार ने जो है 59 ऐप को चाइनीज को बंद कर दिया गया। क्यों बंद किया गया आपको बता दें कि वो आपको बता दे रहा हूँ उस वीडियो में। ये देखिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है, भारत सरकार ने चीन के खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई चल रही थी, जो चीन थोड़ा अभी थोड़ा डिस्पर्स कर रहा काम को, ठीक है, तो 59 चाइनीज मोबाइल ऐप को जो बैन कर दिया गया हमारी मोदी सरकार। जैसे कि इसमें लिखा टिकटॉक, शेयर, यूट्यूब, ब्राउजर, हेलो बिगो जैसे कई सारे एप्लीकेशन इसमें शामिल है। जो सोमवार को हमारे जो है इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि इन एप्लीकेशन को हमारे से बैन किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से एप्लीकेशन है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं विस्तार से, डिटेल में देखिए। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट नंबर टिकटॉक देख लीजिए, सैरेट, ठीक है, कवाई, यूसी ब्राउजर, बैन मैप, शैन जो है, क्लीनो किंग, डी यू बैटरी सर्वर, हेलो लाइक और यूके मेकअप। इसमें देखिए फ्रेंड टोटल मिला के देखिए कई सारे इसमें ऐप, वो भी सारे पॉपुलर सारे एप्लीकेशन इसमें दिए गए। टोटल देखिए मिला के आप लिस्ट पूरी पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके, टोटल जो उसमें मिला के 59 जो है ऐप है, ठीक है फ्रेंड। जब देख ली 59, आपको पता है जो चाइना थोड़ा गड़बड़ चला पड़े, इसलिए हमारी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि चाइनीज को सबक जो सिखाना चाहिए, इसके एप्लीकेशन को यहाँ से इंडिया से ब्लॉक करके, जी हाँ ये सारे एप्लीकेशन को यहाँ से बंद कर दिया गया है ताकि चाइना को उसमें लाया जा सके फ्रेंड। और गाइस देखिए जो इसमें जो लिस्ट चल रही है फ्रेंड, आप इसमें से कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो आप प्लीज़ अगर आप चाइनीज का कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो आप प्लीज़ उसे मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दीजिए। और कोई भी जो नया का एप्लीकेशन आता है चाइनीज़ की तरफ से तो उसे आप इंस्टॉल मत कीजिएगा। क्या फ्रेंड ये पता किया गया है कि जो चाइनीज ऐप है जो अपना इंडिया का अपने तुम्हारे मोबाइल को डाटा एक्सेस कर सकते हैं और डाटा को आपको चुरा सकते हैं जो चाइनीज एप्लीकेशन के माध्यम से। तो फ्रेंड आप कोई भी चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो आप इंडियन कीजिए, कोई चाइनीज मोबाइल भी यूज़ मत कीजिए। इसमें सारी लिस्ट दी गई, अगर इसमें से कोई भी आप अगर एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल है तो आप फ्रेंड उसे आप हटा दीजिए, उसे अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। मेरी तो यही राय, मैंने भी सारे जो एक आधा एप्लीकेशन था मैंने उसे रिमूव कर दिया अपने मोबाइल से फ्रेंड। तो सो गाइस छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अगर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप कौन कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आज दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियोज अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। जय हिंद, जय भारत।